नमस्कार, आप देख रहे हैं राजतक न्यूज चैनल। मैं आपके साथ राम सेवक राजवरा। ये हम पटौना विधानसभा में आ चुके हैं। यहाँ पे हमको मिले अंशुमान बंका जी, निर्दल प्रत्याशी हैं। क्या लगता है 2022 की किसकी सरकार बनेगी? सरकार जिसकी भी बने, अपना विषय पटौना का चुनाव, क्योंकि मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में पटौना की जनता की आवाज़ बनने जा रहा हूँ, क्योंकि पटौना के लोगों के स्नेह के दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और रही बात सरकार, वो जनता जाने, जनता का मूड जाने। आपकी मुद्दा क्या होगी 2022? आपकी मुद्दा क्या होगी? हाँ, हम अंशुमान बंका सर्वप्रथम पटौना की माटी की आवाज़ बनना चाहते हैं, और हर व्यक्ति के जहन में अपना नाम बसाकर हर व्यक्ति की आवाज़ को मजबूत बनाना चाहते हैं, जिससे वो अपनी बात कह पाए, अपने हक की बात कह पाए। सरकार से जो भी सरकार आएगी उससे वो अपनी बात कह पाए, अपने क्षेत्र की समस्या को लेके कह पाए। सरकार बहुत कुछ सुविधा देने को तैयार है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जीत जाता है जिससे व्यक्ति की आवाज़ में एक कमी आ जाती है। और हम यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति की आवाज़ अपने खुद के सम्मान के लिए मजबूत हो, पहला। आप बताइए, पहला। दूसरा, और रही बात पटौना, पटौना का चाहे सड़क से जुड़े विकास हो, या नाली से पानी निकासी वाला मामला हो, या हर व्यक्ति के स्वाभिमान को लेकर हो, या जिला चिकित्सालय की व्यवस्था को लेकर हो, या शिक्षा चिकित्सा जिस क्षेत्र में भी हो, हर क्षेत्र में अंशुमान अपने लोगों के साथ खड़ा रहेगा और गंभीरता पूर्वक उसकी व्यवस्था देखेगा। आपकी मुख्य मुद्दा क्या होगी? आपकी अगर लगता है कि आपकी सीट अगर क्लियर निकल चुकी, तो आपकी मुख्य मुद्दा क्या होगी? जो पटौना के हित में होगा वो किया जाएगा, चाहे वो खेती से जुड़ा हो, या छात्रों से जुड़ा हो, या व्यापारियों से जुड़ा हो, जो पटौना के हित में होगा वो किया जाएगा। यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब हैं। हाँ, मैं मानता हूँ सड़क भी ख़राब है, पानी की निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। हमें गन्ना सामान्य बुना है, लेकिन फैक्ट्री ने आदेश किया अर्ली बोने का, जिसके कारण सूख गया है। किसान भी परेशान है, नहरों में पानी सिंचाई की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की नहरों में पानी भी नहीं मिल पाता है समय पे। हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ख़राब है। मैं हर व्यवस्था देखने को तैयार हूँ। आपने सड़क की बात की, हम कहते हैं यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था भी सरकार तो देना चाहती है, लेकिन यहाँ की आवाज़ नहीं है। और निश्चित रूप से आवाज़ बना भी जाएगा और हर व्यवस्था को देखा जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम ऐसी विधानसभा की खबरें दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए राजतक न्यूज चैनल के साथ। मैं आपके साथ राम सिंह।